मैं आ गई हूँ, पकड़ लेता हूँ। चलिए, इज एवरीवन रेडी? कोई एक बेचारा रह गया वहाँ? सर हमारे कैमरा पर्सन एक मिनट। चलिए, थोड़ा मैडम थोड़ा आगे आ रहा है, थोड़ा सा देखिए। चलिए सर, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन 2019? भारत देश के इस प्रजातंत्र के उत्सव में हम सब ये भाग लें, ये मेरी विनम्र पूर्वक अनुरोध है सभी प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, हमारे संकल्प हैं, उसके आधार पर जनादेश केवल कांग्रेस को नहीं लेकिन संयुक्त प्रगतिकारक गठबंधन यूपीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। और उसी के आधार पर जो पिछले 5 वर्ष इस देश की आशाओं और अभिलाषाओं पर पानी फेरने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है, उसे उखाड़कर एक प्रगतिकारक यूपीए सरकार देश में स्थापित होगी। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि ना बीजेपी के पास 5 साल की उपलब्धि है, ना उनकी कोई कार्यशैली है, ना कोई मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता के समक्ष वे जा पाएं। इसी के तहत ना उनके पास और कोई नेता हैं उनके गठबंधन के पास, इसीलिए एक मात्र व्यक्ति विशेष के आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यूपीए भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारत की दशा और दिशा को साथ में संयुक्त रूप से सभी को साथ में लेकर तय करें। मिस्टर सिंधिया, दिस मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन एन इंटरव्यू टू अ न्यूज़पेपर एंड ही सेड दैट ऑल दिस सेक्युलर फोर्सेस नेवर गिव लीडरशिप अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम पीपल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी। आप कैसे कह सकते हैं ये? प्रधानमंत्री जी तो कई चीज कहते हैं जो सत्य से परहेज होते हैं। आप यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल को पिछले 2 बारों में देख लीजिए, 10 साल हमारी सरकार थी। हर समाज के व्यक्ति को अवसर दिया गया था, हर समाज के। हम सोचते हैं कि भारत एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ता में हर समाज हर धर्म के व्यक्ति का महक होना अनिवार्य। दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, ज्योतिरादित्य की तस्वीर आपने देखी गुना में, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गुना में, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, गौतम गंभीर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। ईस्ट दिल्ली से वो उम्मीदवार भी हैं और उनके सामने आम आदमी पार्टी से आतिशी और कांग्रेस से अमरिंदर सिंह लवली त्रिकोणीय बना रहे हैं इस लड़ाई को। और इस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, जो इस वक्त अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं ईस्ट दिल्ली की। ये हाथ में उनके आई कार्ड भी नजर आ रहा है, जो दिखाने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीर है ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार गौतम गंभीर की, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ। काफी दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है ईस्ट दिल्ली के भी, जहां पर आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं और साथ ही साथ त्रिकोणीय बना रहे हैं अमरिंदर सिंह लवली। और गंभीर और आतिशी के बीच में जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला था वो भी सबको याद है। और संवाददाता देवनाथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ, गौतम गंभीर इस वक्त पहुंच चुके हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि अगर देखें तो गौतम गंभीर सामने आतिशी त्रिकोणीय बना रहे हैं अमरिंदर सिंह लवली, और सीधी लड़ाई आतिशी और गंभीर के बीच में मैदान में भी और जुबान पर भी चली, आरोप प्रत्यारोप भी चले। जी बिल्कुल, जिस तरह से गौतम गंभीर
का मामला उठा अभी दो दिन पहले, आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद से गौतम गंभीर और आतिशी का मामला लगातार जो है सुर्खियों में बना रहा। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर को नोटिस भी भेजा, गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा। उसके बाद जो है ये मामला काफी हाईलाइट हुआ, काफी हाई प्रोफाइल हुआ, जिसके बाद आज जब मतदान पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ती दिखाई दे रही है। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसी आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी, लेकिन अब एक बार जब लोकसभा चुनाव हो रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी, अभी कल की बात करें तो कल पश्चिमी दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं बलबीर सिंह जाखड़, उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरे पिता से टिकट देने के लिए 6 करोड़ रुपए लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में मुश्किलों में दिखाई दे रही है। फिलहाल हम निर्माण भवन में के बाहर हैं, पोलिंग बूथ के बाहर हैं, और यहाँ पर बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल जी भी अपना मतदान डालकर पहुंचे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अपने मत का प्रयोग करके पहुंचे हैं, और वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें, अपना अपना मतदान करें। इनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। सैयद जी, जी बात कर रहे हैं आप, जरूर उनसे बात करें। और ये तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त गौतम गंभीर मौजूद हैं अपनी पत्नी के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने, और वो बूथ के अंदर जा चुके हैं वोट डालने के लिए। देवनाथ बिल्कुल अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप बात करें देवनाथ। बिल्कुल हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सैयद। देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, इन्हीं बातों को लेकर मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान राष्ट्रीय कर्तव्य है, मतदान भी देशभक्ति है। पिछले साल जिस तरह से बीजेपी की लहर दिखाई दे रही थी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, क्या इस बार भी कुछ इसी तरह से उम्मीद है कि उसी तरह की लहर और उसी तरह का फिर वोट मिलेगा? और भारत की जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है किसको सत्ता में लाना है। 23 तारीख को आपको लहर दिखाई देगी। और कुछ कहेंगे मतदाताओं से? मतदाता जल्दी अपने घर से निकले, मतदान करना भी देशभक्ति ऐसा मानकर घर से निकले। ये देश का चुनाव है, ये किसी गली मोहल्ले और प्रदेश का चुनाव नहीं है। बीजेपी क्या मुद्दा, बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल इस वक्त हमारे साथ है सर, क्या मुद्दा रहा? सर मुझे लगता यार ये बहुत मुझे लगता है सभी के मन में देश की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। कौन आतंकवादियों को ठीक से जवाब दे सकता है, कौन देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, कौन एक अच्छे विजन के साथ सरकार चला सकता है, स्थायी सरकार कौन दे सकता है, ये मुद्दा सबके जेहन में है। छठे चरण के चुनाव से पहले, मतदान से पहले जो है कई पुराने मुद्दे सामने आए, उससे कितना फर्क पड़ेगा? मतदाता बहुत जागरूक है, वो मन बना चुका होता है किसको वोट देना है। बिल्कुल सैयद, साफ तौर से बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल जी कह रहे हैं साफ तौर से कि इस बार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जो 2014 में देखने को मिला था वही देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन एक तरफ अगर ये भी देखा जाए देवनाथ कि 7 में 7 बीजेपी के पास कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा भी दांव पर, इस बार बहुत आसान लड़ाई नहीं होने वाली है। मनोज तिवारी के सामने शीला दीक्षित हैं, वो शीला दीक्षित जिन्हें कहा जाता है जमीन से जुड़ी हुई नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, वो एक बड़ी लड़ाई है। दूसरी तरफ गौतम गंभीर की भी बहुत ज्यादा, जितने अच्छे तरीके से वो क्रिकेट खेलते थे शायद ये स्टिकी पिच है, क्योंकि यहां पर आप देखें तो उनके सामने आतिशी हैं, अमरिंदर सिंह लवली हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास एक चुनौती जरूर होगी 7 में 7 बचाने की, 7 दांव पर है। जी बिल्कुल, साफ तौर से अभी भी जिस तरह से बीजेपी के पास 7ों सीटें दिल्ली की बीजेपी के पास थी, और इस बार जो मामला त्रिकोणीय हो चला है, अगर बात करें उत्तरी पूर्वी दिल्ली की तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी हैं बीजेपी से, और अब इस बार उनके सामने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के भी नेता दिलीप पांडे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार काफी चुनौती होगी बीजेपी के लिए इस बार। चलिए बिल्कुल, दोबारा हम आपका रुख करेंगे देवनाथ। हम थोड़ा सा चलते हैं फूलपुर भी, इलाहाबाद, प्रयागराज भी, जहां पर मौजूद हैं तुषार लगातार। तुषार, फूलपुर की आपने बात की थी, तस्वीरें दिखाई थी, आम लोगों से भी बात की थी, लेकिन खास तौर से अगर इसको विस्तार रूप से हम देखें, उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, जहां पर 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा अगर आप नजर डालें तो बीजेपी की साख दांव पर है 14 में। क्या लगता है इस बार क्या उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि कई बार तो ऐसी भी खबरें आई हैं कि इस बार 14 की 14 बीजेपी बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी 14 में कुछ भी बच जाए तो।
13 और एक थी पिछली बार। बात करें तो 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, बिल्कुल 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। और अगर 2014 की बात करें तो 2014 में 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और अब है 2019 में भी अगर देखें तो पहले जो दो धुर विरोधी पार्टियां थी सपा और बसपा, वो अब एक हो चुकी हैं, जो कि पहले अलग अलग चुनाव लड़ा करती थी। इसलिए बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। और वहीं अगर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से जो मौजूदा सांसद श्यामाचरण गुप्ता, वो भी बीजेपी को छोड़कर दूसरी गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अगर और भी जगह की के तो आजमगढ़ भी काफी अहम हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, वहां दिनेश यादव निरहुआ के चुनाव प्रचार पहुंचे थे, वहीं अखिलेश यादव की भी साख दांव पर है। अगर इसकी बात करें 2014 में तो उससे पहले मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद रहे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव खुद वहां से। ठीक है, ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कुछ कह रही है, सुनाते हैं आप। देखिए, कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है, सिस्टमैटिकली एंड रीचिंग आउट टू एवरीबॉडी, एंड वी होप दैट वी विल विन। आवर टारगेट इज 7 सीट्स। रूमर्स है ना, आपने बोल दिया रूमर्स हैं हेल्थ को मेरी लेके। आई हैव बीन यू नो कैंपेनिंग एवरी डे right through the day and going everywhere I've been asked to go, I needed to go, so they had nothing else to say, so they started saying that her health is bad. So how do you take this politics? I think it's the kind of politics which is should not be acceptable in a democracy, and I do hope that, and I'm really sad that a person at the level of the position that Mr. Kejriwal is, he having to say such a thing is I mean just not acceptable. And this time the election was different, the kind of environment, like there was a likelihood there is going to be alliance, not as so many things were going happen. Aap ne bhi bahut zyada allegation lagaya Congress ke upar, kya kya allegation lagaya? मेरी हेल्थ को ही आते हैं ना, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो हेल्थ को इनको क्या पता क्या है मेरी हेल्थ। आई एम वर्किंग ऑल अलॉन्ग, एवरीबॉडी हैज सीन मी इन माय कंस्टिट्यूएंस अदरवाइज, सो आई मीन आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माय हेल्थ, इट्स देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी, एंड यू फाउंड समथिंग इन नथिंग एल्स एंड यू डेयर नॉट डू एनीथिंग एल्स, सो यू पुट पिक्ड अप ऑन हेल्थ। Of course we have contested with confidence, and we are confident that all the seats have, you know, will be ours. Let's see, there's little time left now, you'll get to know. Well, I don't know whether this is the time to give to the voters, but I do hope that the voters will remember the work that the Congress did in 15 years here. Its work was really appreciated, and if they want work to be done, if they want their city to rise up, then Congress is the only alternative. तो अभी एक और बचा है, तो अभी सारे इन्वॉल्वमेंट की सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है कांग्रेस कहाँ तक है? बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे वर्कर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है, दे सॉर्ट ऑफ रिजन टू द ओकेजन, एंड लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स हैं। तो ये शीला दीक्षित हैं, जो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और आश्वस्त हैं कि इस बार वो चुनाव जरूर जीतेंगे, कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अजय माकन की। अजय माकन जो नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं, और उनके सामने बीजेपी से मीनाक्षी लेखी हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके लौट रहे हैं। तो कई दिग्गजों ने सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट डाला है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। तो छठे चरण का दंगल जारी है, जहां पर 7 राज्यों के 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और पल पल की अपडेट न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको दे रहा है, और आपको बार बार यह बता रहा है कि आप जरूर जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। हम लगातार इस पर बने हुए, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।